दिल्ली में सबको मुफ्त लगेगी वैक्सीन, सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। मिजोरम फायर, 32 घंटे से लगी आग शहर तक पहुंची, वायुसेना के हेलीकॉप्टर कर रहे बुझाने में मदद। लाल किला हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिंधु को मिली जमानत, 70 दिनों से हिरासत में थे। कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाए, केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। दिल्ली में शुरू हुआ 500 बेड का कोविड इमरजेंसी अस्पताल, आईटीबीपी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। महाराष्ट्र बीड जिले में दिखा दिल दहला देने वाला दृश्य, एक साथ 28 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में सोमवार से लेकर अगले 3 दिनों तक सभी वैक्सीन सेंटर खुले रहेंगे। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की फिल्म राधे के ट्रेलर का बनाया मीम, बताया मास्क पहनना कितना जरूरी है, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, 14 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी राज्य सरकार। मुंबई एमएमआरडीए बना रहा है 2000 बेड का कोविड अस्पताल, मई में शुरू होगा। मुंबई कोविड के लक्षण दिखने वाले संक्रमितों को घर पर चेकअप के बाद ही मिलेगा बेड, बीएमसी की नई गाइडलाइन। टाइम आ गया है कि लोग घर में भी मास्क पहनना शुरू कर दें, बढ़ते कोरोना संकट पर नीति आयोग की सलाह। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार, कहा अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। कोरोना से जंग, सेना के रिटायर मेडिकल कर्मी फिर लौटेंगे काम पर, सीडीएस राउत ने पीएम मोदी को बताया पूरा प्लान। मनसुख हिरेन केस, एनआईए के हाथ लगा नया सीसीटीवी फुटेज, मनसुख हिरेन के मुंह में ठूसे जाने वाला रुमाल खरीदता नजर आ रहा है वाजे। महाराष्ट्र मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर ठाकरे सरकार में दरार, सीएम की घोषणा से पहले ही श्रेय लेने की कोशिश से कांग्रेस नाराज। बैंक प्राइवेटाइजेशन के बीच आरबीआई करवाएगा सर्वे, मंजर को लेकर जानेगा ग्राहकों के मन की बात। सप्ताह के पहले दिन सोना चांदी में करीब 1000 रुपए की गिरावट। बड़ी खबर, अब केंद्र नहीं करेगा कोविड-19 वैक्सीन का आयात, राज्यों को खुद ही करनी पड़ेगी खरीदारी।